सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का जो विषय है वह होली के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बताऊंगा कि भगवान शिव या माँ भगवती या अपने घर की कुलदेवियाँ जैसे कि बड़ी माई माता महाकाली, माँ बसंती, माई मसानी, इनका ध्यान आप किस प्रकार कर सकते हैं और इनसे आप मनचाही वस्तु किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहूँगा कि आप सभी भक्तों को आज होली की जो पावन दिन है इसके हमारी इस मंदिर समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो होली है ये सभी भक्तजनों व ग्रामवासियों के लिए शुभकारक हो। और आपसे एक निवेदन ये भी है कि हम तो मंदिर के सदस्य हैं यानी कि एक परिवार है, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि जैसे कि कोरोना फैला हुआ है इसके लिए आप अपने अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, साथ ही ज़्यादा आवागमन से बचे रहें ताकि कोरोना की जो महामारी जो आपदा इस संसार में फैली हुई है उससे बचा जा सके और इस चैन को तोड़ा जा सके, इससे आप बचें और सरकार की गाइडलाइन का विशेष रूप से उनका पालन करें। साथ ही आज जैसी होली है, होली पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर होली मनाएं। होली मनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो हिरण्यकश्यप से जुड़ा गया है। हिरण्यकश्यप एक महाराक्षस था और उनका बेटा जो कि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और वे भगवान की भक्ति इतनी चाव से इतनी लगन से किया करता था कि उसने उसके सामने अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं की। हिरण्यकश्यप ने जब अपनी बहन होलिका से उसको मारने के लिए कहा तो होलिका ने अपने भतीजे को अपनी गोद में रखकर अग्नि पर बैठ गई और अग्नि के प्रभाव से वह होलिका ही स्वयं जल गई, जिसको भगवान शिव का वरदान था कि वह अग्नि से नहीं जल सकती, किंतु भगवान विष्णु के प्रताप से होलिका ही वापस जल गई और प्रहलाद भक्त बच गया। और जैसे ही प्रहलाद बचा तो उनके बचने से लोगों में हर्षोल्लास का अनुभव देखा गया, उससे कुछ लोगों ने रंग उड़ाया और तब से ये होली का त्यौहार मनाने जाने लगा। साथ ही आपस में मिठाई बांटी गई, जो अभी आपने देखा हमने भगवान को रंग लगाया और मिठाई आपके सामने बांटी, बच्चों में बांटी, आपस में भी बांटी और जो भक्तजन और हैं उनको भी बांटेंगे। तो इसका होली मनाने का यही रीजन था। तो मैं आपसे ये संदेश देना चाहूँगा कि आप होली को बड़े प्यार से मनाएं, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा न हो पाए, इसके लिए आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप आगे आएं और इस त्यौहार जो हमारी परंपरा है इस परंपरा को शांति रूप से सुचारू रूप से चला कर रखें, क्योंकि आप देख रहे होंगे दिन पर दिन हमारे जो त्यौहार हैं वो घटते जा रहे हैं, जो हर्षोल्लास था वह घटता जा रहा है। होली का जो त्यौहार था एक महीने पहले से उसका असर देखने में आ जाता था, परंतु आज का जो समय है, आज की जो जनरेशन है अपने त्यौहार से विमुख होती जा रही है, त्यौहार सिमटते जा रहे हैं, हर चीज़ पर प्रतिबंध लगता जा रहा है। दिवाली मनाएंगे तो कहते हैं प्रदूषण हो जाएगा, प्रदूषण से वातावरण में दिक्कत होती है, होली कहते हैं कि होली मनाएंगे तो पानी का वेस्ट होगा, ये सब चीज़ें आज से नहीं अनादि काल से चलती आ रही हैं, हमारी परंपरा अनादि काल से चलती आ रही है। और इन चीज़ों के जो पीछे कहीं ना कहीं जो उद्देश्य रहा वो ये रहा कि दीपावली पर विभिन्न प्रकार के लड़ाई झगड़े या होली पर दारू आदि पीने से जो विभिन्न प्रकार के झगड़े होते हैं इससे बचने के लिए ये इस तरह की अनर्गल बातें उड़ाई जाती हैं। तो मेरा सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी आप सामने आएं और सामने आकर जहां तक हो सके इन लड़ाई झगड़ों से बचें और औरों को भी बचाएं, अपने त्यौहार अपने संस्कृति को बड़े चाव और लगन के साथ शांतिपूर्ण संपन्न करें। अब मैं मेन मुद्दे पर आ जाता हूं, वो ये है कि आज जैसे होली का दिन है आप सभी भक्तजन जो भी आपका इष्ट हो, चाहे भगवान शंकर हो, भगवान विष्णु हो या पवन पुत्र हनुमान हो या माँ भगवती, माँ माता महाकाली, बड़ी माई राजरानी, जो भी आपके इष्ट हो, जो भी आपके पास शक्ति हो, उसका आज होली के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। क्यों करें? क्योंकि आज का जो दिन होता है वो बड़ा ही पावन दिन होता है और आज के दिन किया गया जप अनंत गुना ज़्यादा मिलता है। तो इसके लिए आज कई मंत्रों के अंदर आप एनर्जी और संचालित कर सकते हैं, अपने चारों ओर एक ओजा ओरा आप सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो दिन होता है इस दिन मंत्र का कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। आप जिस मंत्र को आप जाप करेंगे उसका कई गुना फल आपको तत्काल ही मिल जाएगा। यदि आप आज किसी मंत्र को 1000 जाप करते हैं तो आपको उसका 10000 जाप का फल मिलेगा।
तो ये इसका महत्व होता है। यदि आप आज 1,00,000 मंत्र का जाप करते हैं तो आपका 1,00,000 जप किया हुआ मंत्र का 10 गुना यानी 10,00,000 मंत्रों का फल आपको तुरंत मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपके शरीर की निगेटिविटी, आपके शरीर की जो तामसिक प्रवृत्ति है वह शांत होगी और आपके शरीर के अंदर जो मलिनता है वह निकलेगी। आपके अंदर अश्व रूप से एक ओरा बनेगा और जब ओरा बनेगा तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपके अंदर शक्तियों का परमवेश हो जाएगा। तो सभी भक्तों से मेरा ये संदेश था कि होली को शांति रूप से मनाएं, साथ ही आज ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मंत्र का जाप करें। सभी भक्तों को जय श्री राम। ठीक, लो जी पंडित जी, होली मुबारक हो जी। मुबारक हो जी आपको, मुबारक हो, हैप्पी होली आपको, जीवन में खुशी और सारे काम सफल करें। ठीक है, ठीक, हैप्पी होली। हां लो, हैप्पी होली सतेंद्र भैया। लगा दो बच्चों को भी, लगा देंगे, लगा दो। मिठाई ले लो जी, मिठाई उठाओ तो थोड़े खिलाओ, एक दूसरे को खिलाने शुरू करो, तोड़ तोड़े खिलाने शुरू करो। हाँ, नहीं रुक जाओ, अभी थोड़ी सी, अभी तो बाबू तो मैन रह रही, वीडियो तो रह रही है अभी। हाँ मैन तो अभी रह रही। अच्छा जी, अच्छा जी, लो जी खिलाओ खिलाओ, एक दूसरे खिलाओ। बस वो बांटने तक बच्चों को सारी बांटी देंगे तो बचेगी बहुत सारी। हेलो, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, ले, हो गया।